सो भाई लोग आ चुके बहुत ही फ्रेश वीडियो लेकर के आप लोग बीच में एंड हम लोग आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आप लोग आज का वीडियो बहुत ही कुछ अलग होने वाला है। हर वीडियो से ना आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आप लोग को कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग आप लोग को यूट्यूब पे कोई सिखाया नहीं होगा एंड सिखाया भी होगा तो आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे बिफोर एंड हम लोग का हेयर आप लोग खुद ही देख लीजिए कितना औसम तरीके से किया गया है एंड हम लोग का फेस भी देखिए कितना बवाल तरीके से एडिटिंग किया गया है। तो हर वीडियो से ना कुछ आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हटके एडिटिंग आप लोग को सिखाने वाला है। तो देखिए फ्रेंड आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के फुल वॉच कर लेते हैं तो आप लोग भी सेम कुछ इस तरीके से आर्टिस्ट भाई की तरह वीडियो में देख करके आप लोग फोटो बनाना सीख जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा खास हेयर को हम बहुत ज़्यादा टारगेट किए हैं। ठीक है तो चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सुजान सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर एंड सिंपली आप लोग शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से ना देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं ऑटोडेस्क होगा। ठीक है ऑटोडेस्क पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग का फोटो ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर शेयर हो जाएगा। ठीक है तो आप लोग भी शेयर करते होंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता होगा। तो सिंपली आप लोग देखिए नीचे होगा एक ऑप्शन। ठीक है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फोटो हट जाएगा एंड जो आप लोग शेयर किए रहेंगे वो वाला फोटो आप लोग का आ जाएगा। ठीक है जैसे आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा तो सिंपली आप लोग को क्या करना है इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। ठीक है ऊपर देखिए इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड भाई लोग इस वाले ऑप्शन पे आना सिंपली आप लोग देखिए फिर से इस वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। सो दोस्तों प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे फिर से आप लोग को चले जाना होगा। यहाँ पे देखिएगा एक ब्रश वाला आइकन होगा। ठीक है पेंसिल आइकन पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा। सो भाई लोग पेंसिल आइकन पे आना सिंपली आप लोग को ये ब्रश सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि देख लीजिए मैं आप लोग को गोला करके दिखाता हूँ ये वाला ब्रश आप लोग। ठीक है एंड फिर से आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। एक एक पॉइंट बारीकी से आप लोग को समझाने वाले देखिए इतना आप लोग समझ में बहुत ज़्यादा आएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है जान इतना करना सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड यहाँ पे देखिएगा ग्लो होगा। ठीक है ग्लो ठीक है ना जान। तो सिंपली आप लोग का उस पर क्या होगा सिंपली आप लोग का स्मोज होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए ये वाला सेटिंग होगा। ठीक है ये वाला सेटिंग होगा तो सिंपली आप लोग को नीचे वाला सेटिंग करना है ऑन। ठीक है उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेना होगा। सो भाई लोग फोटो जूम करने बाद सिर्फ आप लोग ना अपने हेयर के ऊपर अप्लाई कीजिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है अभी हम लोग का फोटो देखिए किस तरीके से लग रहा है एंड हेयर किस तरीके से लग रहा है एंड जब हम लोग एडिटिंग करके आपको दिखाने वाले वीडियो में तो आप लोग भी सोचेंगे क्या आर्टिस्ट भाई क्या वीडियो में बताया। ठीक है जान तो कुछ इस तरीके से आप लोग को अप्लाई कर लेना होगा। सो भाई लोग इतना करना फिर से आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाएगा लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है लेयर पे क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग को फिर से आ जाना होगा। आप देखिएगा नॉर्मल पे आने बाद सिंपली आप लोग को देखिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ सॉफ्ट लाइट होगा यहाँ से देख लीजिए सॉफ्ट लाइट। ठीक है यहाँ पे देखिए सॉफ्ट लाइट होगा इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग हेयर में कुछ इस तरीके से रेड रेड आ जाएगा। ठीक है जान इतना करना फिर से आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड देखिए ऊपर जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करके एक आप लोग और प्यारा सा लेयर बना लीजिएगा। ठीक है लेयर बनाना फिर से आप लोग को इस ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड लाइब्रेरी में आ जाइएगा एंड सिंपली आप लोग को सेलेक्ट कर लेना होगा मीडियम ब्रश। ठीक है जान तो यहाँ से हम मीडियम ब्रश को पहले यहाँ पे अच्छे से खोज लेते हैं। ठीक है जान तो सिंपली देखिए कहाँ पे है तो थोड़ा सा वीडियो लेट हो सकता है। ठीक है मिल रहा है ठीक है मिल गया सॉरी जान। ठीक है ना इतना ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट किए हैं। ठीक है तो सिंपली ये वाला आप लोग ब्रश यूज कीजिएगा। ये वाला ब्रश यूज करने का सिंपली कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेना होगा एंड आप लोग अपने देखिए यहाँ से साइज को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है साइज बढ़ाने बाद फिर से आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोग को अपने हेयर में अप्लाई कर लेना होगा। ठीक है जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इतना करना सिंपली आप लोग देखिए क्या करना होगा फिर से आप लोग इस सॉल्यूशन पे आ जाएगा एंड फिर से फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके नॉर्मल पे आ जाएंगे एंड फिर से आप लोग सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करना सिंपली आप लोग को क्या करना होगा यहाँ देखिए इस वाले ऑप्शन पे कॉर्नर में क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है जान इस पर क्लिक करना सिंपली आप फिर से क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देखिएगा शेयर होगा। ठीक है शेयर पे क्लिक कर लीजिएगा एंड फिर से आप लोग को देखिए सेफ्टी डिवाइस पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। हाँ तो जान फोटो सेव करना कुछ इस तरीके से आप लोग को हेयर में इफेक्ट आ जाएगा एंड अभी हम लोग का पूरा अच्छे से हुआ नहीं है। ठीक है तो एक एक स्टेप के बारे में बताने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो इस फोटो को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर से आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देखिएगा सेलेक्टिव होगा। ठीक है सेलेक्टिव पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से आप लोग हल्का सा सेचुरेशन को माइनस कर लीजिएगा तो 25 माइनस कर दे रहे हैं एंड कंट्रास्ट को भी हल्का सा प्लस कर देना होगा तो 25 प्लस एंड ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर लेना होगा तो 32 माइनस कर दे रहे हैं एंड यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। डन करना फिर से आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा एंड आप लोग को चले जाना होगा। यहाँ पे देखिएगा डिटेल्स होगा। ठीक है डिटेल्स वाला ऑप्शन पे जाकर के स्ट्रक्चर 100 प्लस कर देंगे। शार्पनिंग को भी यहाँ से हम लोग जीरो कर लेते हैं। जीरो करने का सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से आप लोग को देखिए इस वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा। ठीक है शेयर के बगल में एरो के निशान है उस पे एंड फिर से आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा व्यू एडिट्स पे
वीडियोस पे आने वाले फिर से आप लोग डिटेल्स पे एंड ब्रश वाला आइकन पे, ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करना सिर्फ आप लोग ना अपने हेयर के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग डार्क हेयर एडिटिंग करने वाले हैं। यानी यहाँ से अच्छे से इरेज कर लीजिएगा या तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग इरेज करेंगे ना तो आप लोग के फेस के ऊपर आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ से आप लोग जीरो करके यानी यहाँ से आप लोग अपने फेस के ऊपर से रिमूव करके सिर्फ आप लोग अपने हेयर के ऊपर रखने दीजिएगा, ठीक है, रहने दीजिएगा। सॉरी, इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली आप लोग शेयर कर लेना होगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो सिंपली आप लोग को सेलेक्टिव ऑप्शन पे आ जाना होगा। अगर ये वाला ऑप्शन आप लोग के फोन में काम नहीं करता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। सिंपली आप प्लस वाला आइकन पे आ जाएगा एंड सबसे पहले आप लोग ब्रश पे क्लिक कर लीजिएगा, छोटा सा बिंदु उस पर क्लिक करके सिर्फ आप लोग ना अपने हेयर के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इस ब्रश को आप लोग को हेयर के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई करके रखा हूँ। सिंपली इतना करना, सिंपली आप लोग इस वाले इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड इसका क्लियरिटी हल्का सा नहीं, आप लोग 100+ करना है क्योंकि हम लोग क्लियरिटी में एडिटिंग करने वाले हैं। एंड टेक्सचर को भी आप लोग 63+ एंड डिजिट को कुछ इस तरीके से आप लोग को बढ़ा लेना होगा, तो 37 कर दे रहे हैं। एंड यहाँ से इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली आप लोग देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, इतना करना फिर से आप लोग को सेलेक्टेड ऑप्शन पे आ जाना होगा, प्लस पे क्लिक कर देना होगा एंड ये वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सर्कल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा एंड कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लीजिएगा एंड हल्का सा आप लोग इफेक्ट को अप्लाई कर लीजिएगा क्लियरिटी को, ठीक है। इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपल आपको शेयर कर लेना होगा टूल विज एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं टूल विज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड हम लोग का हेयर देखिए कितना ज़्यादा क्लियरिटी में है, ठीक है। एंड अभी देखिए कितना अच्छे से हम लोग का हेयर बन जाएगा, तो सिंपल आप इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाएगा, सॉफ्ट इमोज पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग स्क्रॉल करके 10 नंबर पे क्लिक कर लेना होगा। सो भाई 10 नंबर के क्लिक करना, सिंपली मास्क वाला ऑप्शन पे आ जाएगा, क्लीन पे क्लिक कर लीजिएगा एंड सिर्फ आप लोग ना अपने हेयर के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। सो भाई जैसे आप लोग अपने हेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग का हेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अच्छे से हम लोग का हेयर नहीं बना है जैसे मैं आप लोग को थंबनेल में दिखाया था, तो सिंपली इतना करना सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। सो भाई लोग जैसे आप लोग सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली देखिए कॉर्नर में सेव वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। हाँ तो जान हम लोग फोटो को सेव कर चुके हैं, ठीक है। एंड हम लोग का हेयर देखिए कितना औसम तरीके से बन चुका है, ठीक है। जितना मैं आप लोग को जूम करके दिखाऊंगा देखिए कितना शानदार तरीके से हम लोग का हेयर बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोग को और ज़्यादा डार्क करना है तो सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो भाई लोग जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो सिंपली आप लोग को एक सेटिंग करना है, सिंपली टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा, सेलेक्टिव पे क्लिक करके हल्का सा आप लोग सेचुरेशन को माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। नया से आप लोग सेचुरेशन को माइनस कर लीजिएगा एंड प्लस में करेंगे तो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा एंड माइनस में करेंगे तो ब्लैक डार्क हो जाएगा, ठीक है जान। तो आशा करते हैं मेरे जान बेटे को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपने वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटेड एडिशन वीडियो डालूँ तब तक नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आप लोग को सब कुछ मेरे बारे में जानकारी चाहिए पूरा अच्छे तरीके से हर एप्लीकेशन के बारे में, लाइटरूम, ऑटोडेस्क, स्नैपसीड, टूल विज, पिक्सआर्ट एंड कोई सा भी जानकारी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। 3,48,000 फॉलोअर्स हो चुका है, तो मैं आप लोग को बड़ा भाई मानता हूँ एंड भगवान बड़ा मानता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जा करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पे मैं सब कुछ अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है, अपडेट, ठीक है जान। RDX Editor 20 मेरा ID का नाम है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।